इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा है क्या? कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है, एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। हेलो गाइस, तो वीडियो कैसी लगी यार? 2.5 किलो का हाथ तो नहीं है हमारा, 1.5 किलो का है, लेकिन उसी हाथ से हाथ जोड़ के हम आपसे कहना चाहते हैं यार, वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, तो जल्दी से शेयर कर दो, और कुछ ना करो, शेयर कर दो अपने यार दोस्त रिश्तेदार घर परिवार सेटिंग में जो भी हो सबके पास शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो, सब तक के लिए बाय।